ठीक है, तो ये आपके सामने ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई इसकी, ठीक है। तो ना अब मैं दोबारा आपके सामने बात रख देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने स्टैंडर्ड है IA-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने, ये मेरा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारा वो टेक्स्ट मौजूद है जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अकाउंटिंग को, उनके डिस्क्लोजर्स को डील करता है, ठीक है जी। तो किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि जनाब किस स्टैंडर्ड को पढ़कर हमें क्या हासिल होगा। तो ऑब्वियसली इस स्टैंडर्ड को पढ़कर हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अकाउंटिंग, वो प्रिंसिपल जिसके तहत इसकी अकाउंटिंग की जाएगी, और इसके नोट्स टू द अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, इन पे डैप्शन कैसे चार्ज की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में इनके कैरिंग अमाउंट्स किस तरह रिपोर्ट की जाएंगे, क्या उन कैरिंग अमाउंट्स के ऊपर कोई इम्पेयरमेंट वगैरह चार्ज होगी या नहीं होगी, ये तमाम बातें यहाँ पर हम डील करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो इस स्टैंडर्ड का आपके पास जो है दूसरा हिस्सा है वो है स्कोप। स्कोप आमतौर पे किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर वो पोर्शन होता है जो हमें ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड कौन सी सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होता। तो अब ये समझने के लिए कि वो सिचुएशंस जो जिनमें अप्लाई नहीं होता, वो वैसे भी आपके कोर्स में नहीं है, IFRS 5 फिल वक्त FAR 1 में नहीं है, IS-41 FAR 2 में है, IFRS 6 जो है वो ना FAR 1 में ना FAR 2 में, CFAP में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जाहिर सी बात है अगर मैं इनको डिस्कस भी करूँ तो वो डिस्कशन रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी बस अगर कोई MCQ कवर होता है तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। आसान अगर मैं बात करूं समझाने के लिए, एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, आसान बात करूं मतलब आपके पास एक प्लांट रखा हुआ है, एक मशीन रखा हुआ है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कल तक वो ऑपरेट कर रहा था, अब उसने काम करना छोड़ दिया, खराब नहीं हुआ, आपने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, आपने उसको बेचने के लिए रख दिया है, लेकिन स्टिल वो आपकी पोजेशन में है, ऑनरशिप आपके पास है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। जब भी किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप हेल्ड फॉर सेल कर देते हैं लेकिन अभी वो बिका नहीं होता, तो फिर उसको हम कवर कर रहे होते हैं IFRS 5 के तहत। लेकिन चूंकि IFRS 5 जो है वो आपके स्कोप में नहीं है फिल वक्त, तो लिहाजा इस पर मैं इतनी लंबी बहस नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर जो है बेटा फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो कैटल फार्मिंग हो, चाहे वो वेजिटेबल फार्मिंग हो, चाहे वो फ्रूट फार्मिंग हो, ये तमाम एक्टिविटीज के तहत जो कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। और उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो अकाउंटिंग है उसको कवर करने के लिए स्टैंडर्ड IS-41 मौजूद है, और IS-41 जो कि कवर करता है बायोलॉजिकल एसेट्स को, तफसील इसकी आपको FAR 2 में देखने को मिलेगी। और यानी कि ये इन तमाम सिचुएशन में भी IA-16 अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दी एक बुनियादी बात रखने के लिए। देखिए अब किसी भी स्टैंडर्ड में जो बात समझने वाली है वो क्या है, किसी भी स्टैंडर्ड में जो नंबर थर्ड आपके सामने पोर्शन है वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इस स्टैंडर्ड में जो टेक्निकल टर्म्स यूज होंगी, किसी भी लफ्ज के दो मायना होते हैं, एक उसका टेक्निकल मीनिंग होता है, उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है। तो कोई लॉ हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, अगर वो किसी चीज को खुद उस स्टैंडर्ड में, उस लॉ में डिफाइन कर रहा है, तो इसका मायना ये होता है कि जनाब अब उसका डिक्शनरी मीनिंग प्रीवेल नहीं करेगा, अब उसका मायना वही लिया जाएगा जो स्टैंडर्ड ने खुद डिफाइन किया है। तो स्टैंडर्ड जिन टर्म्स को खुद डिफाइन किया करेगा उनकी मीनिंग वही ली जाएंगी जो इस डेफिनेशन वाले पोर्शन में समझाई गई, फिर उनका डिक्शनरी मीनिंग प्रीवेल नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कुछ मखसूस टर्म्स होती हैं जिनको डेफिनेशन वाले एरिया में कवर कर लिया जाता है और फिर उनका वही मायना लिया जाएगा जो कि डेफिनेशन में कवर हुआ है, ना कि उनका डिक्शनरी मीनिंग, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है जी। अब आप देख लें, ये आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, मैं नीचे आ रहा हूं, जो मैंने कल पढ़ाया आपको वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्लीज तीन बातें हैं, आपको मार्क करके बताता हूं, देखिएगा जरा, आप इसको देखिएगा, कॉस्ट, क्या आपको लव्स कॉस्ट दिख रहा है बेटा, कॉस्ट, यस।
कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन. किसी भी एसेट को एक्वायर करते वक्त उस एसेट को हासिल करने के लिए जो हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट पे किया है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे आने वाले एसेट की कॉस्ट है. या अगर हमने उस एसेट को हासिल करने के लिए कोई और एसेट गिव अप किया है तो जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आने वाले एसेट की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी. कल के लेक्चर में हमने डिटेल में कवर किया, ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है कि बास केसेस में कुछ कंपनीज जो है वो शेयर इशू करके भी कोई एसेट परचेज कर सकती है, तो वो तफसीलात आपके सामने वक्त के साथ साथ आती रहेंगी. नाउ ये हमने आपके सामने जो बातें कवर की थी ये डिस्कस मैं आपके सामने करता चला जा रहा था. अच्छा जी, अब अगर आप देखें गौर से, अब इसमें एक और चीज वो क्या है, ठीक है जी. नाउ अब इसमें हम एक और बात डिस्कस करते हैं आपसे, वो क्या है, देखिए अब आप कॉस्ट के नीचे देखें तो आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ, डेप्रिसिएबल अमाउंट. यस बोलिए, डेप्रिसिएबल अमाउंट. ये मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया कल की क्लास में, ठीक है, और जो कुछ पढ़ाया कल की क्लास में वो स्टैंडर्ड में मौजूद है. डेप्रिसिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू. लेकिन अब तक जो आपके लिए डेफिनेशन है वो इतनी है क्योंकि अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट का तस्करा अब तक हमने किया नहीं है, क्योंकि आज तक आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन नामे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा. तो ये जो अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट है इसको हम बोलेंगे किसी भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू. जब हम किसी भी एसेट को रीवैल्यू कर देंगे, उसको अपडेट कर देंगे उसकी मार्केट वैल्यू पर, तो फिर वो कॉस्ट पे नहीं रहेगा, वो उसकी मार्केट वैल्यू पर आ जाएगा. तो आप डेप्शन चार्ज करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे या तो एसेट की कॉस्ट में से, या अगर आपका एसेट जो है वो रीवैल्यूड है जिसको आपने अपडेट कर दिया है उसकी करंट मार्केट वैल्यू पर, तो फिर आप डेप्शन चार्ज करने के लिए आप रेजिडुअल वैल्यू लेस करेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में से. तो जैसे ही आमतौर पर आप कॉस्ट में से लेस करते हैं एसेट की रेजिडुअल वैल्यू, तो जो अमाउंट बचता है वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएबल अमाउंट. यानी आप एसेट की कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डेप्रिसिएबल अमाउंट. उसके बाद अगर आप फौरन नीचे देखते हैं तो नीचे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो कल की क्लास में ही हमने कवर की थी. वो चीज क्या थी, व्हाट इज डेप्रिसिएशन. यस सर, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. यानी डेप्रिसिएशन बोलते हैं एसेट के डेप्रिसिएबल अमाउंट को तोड़ने को, सिस्टमैटिक वे में तोड़ने को, सिस्टमैटिक वे में उसके हिस्से बनाने को. और वो हिस्से बनेंगे किस पर, एसेट की यूजफुल लाइफ. यानी यूजफुल लाइफ के हिसाब से आप उसको ब्रेक कर दें हिस्सों के अंदर. तो इस चीज का नाम क्या बताया था मैंने आपको, डेप्रिसिएशन. तफसीलात आपके सामने कल की क्लास में आ गई थी, ये सिर्फ आपको एक चीज रिकॉल करवा रहा हूँ. यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने कल पढ़ाया था वो सब कुछ आपके सामने स्टैंडर्ड की शक्ल में मौजूद है. स्टैंडर्ड उनको एक एक करके डिफाइन करता चला जा रहा है, ठीक है जी. अब उसके बाद हम मजीद देखते हैं इसको आगे. तो अगर आप आगे देखते हैं, ठीक है जी, अगर इसको आप मजीद आगे देखते हैं तो आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी. और से देखें जरा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिख रहा है बेटा सब लोगों को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजेबल आइटम्स आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, दो बातें बोली गई हैं कि पीपी एक तो टेंजेबल है और उसके बाद फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या तो काम आते हैं, और के साथ बोला गया है तो ये तो काम आते हैं प्रोडक्शन में, या तो काम आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हमने कल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला, या फिर काम आते हैं रेंटल टू अदर्स.
या फिर काम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये खुद डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड। तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं बेटा वो इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ रहे हैं। आपके सामने भले ये स्टैंडर्ड हो या ना हो, लेकिन जो कुछ भी हमने पढ़ा बेटा वो स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा। उसके बाद आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब यानी कि ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करंट नहीं है बल्कि क्या है, नॉन करंट है। ये सारी बातें आपके सामने डिस्कस हुई, आप इन तमाम चीजों को देखिएगा बेटा, इन तमाम चीजों को समझिएगा। डिस्कशन सारा आपके साथ होता रहा मेरा कल की क्लास में। तो मैं चाह रहा था कि आपको चीजें बताऊं कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ हम उसको स्टैंडर्ड के नाम से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली वो स्टैंडर्ड कहाँ मौजूद है, ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, ओरिजिनली वो स्टैंडर्ड कहाँ मौजूद है ये समझने की जरूरत है। चलें जी। अच्छा, अब और मैंने कल क्या पढ़ाया आपको, कल मैंने आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ाया था, और मैंने ये अब देखिएगा, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो डेफिनेशन वाले हिस्से में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब जरा मैं आपको बताऊं आगे ले चलूं, और जब मैं आपको आगे लेके चलता हूं तो ये स्टैंडर्ड आगे जा रहा है, ये सारे इसके पैराग्राफ चल रहे हैं, ये सारे पैराग्राफ आपको समझाऊंगा मैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं मजीद इसके अंदर स्टैंडर्ड में तो हम क्या देखते हैं। अच्छा जी, देखिए अभी आपके सामने क्या है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पैराग्राफ नंबर 37। तो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पढ़ाया, और यहाँ पर आके आपको पता लगेगा जनाब कि भाई प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की एग्जांपल्स क्या हैं, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की क्लासेस क्या हैं। ठीक है, तो अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशंस। ठीक है जी, एंटिटी के ऑपरेशंस क्या है, वही production, selling and distribution, administration, rental to others. The following are examples of separate classes. ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। तो जो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है उसको इसी क्लास के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कल की क्लास में आपके सामने सारी बातें हुई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ships, aircraft, motor vehicles, furniture fixtures, office equipment, या इक्विपमेंट, बेयर प्लांट्स। ठीक है, ये सारी बातें आपसे कर ली गई थी कल की क्लास। यहाँ तक आपको मैंने स्टैंडर्ड से बताया कि भाई मैंने आपको स्टैंडर्ड से अब तक क्या पढ़ा दिया। तो ये स्टैंडर्ड आपके सामने है, और स्टैंडर्ड सिर्फ जो है पैराग्राफ में डील कर रहा है, वो सिर्फ टेक्स्ट है। उसको समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जरूरत होगी, यहाँ से अगर आप रीड करते हैं देखते हैं। अच्छा, मेनली अब ये स्टैंडर्ड दिखाने का मकसद क्या है कि बच्चों को आमतौर पर पता ही नहीं होता वो पढ़ क्या रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं, उनका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। तो बेटा असल सोर्स डॉक्यूमेंट ये है, ICAP ने भी अपने स्टडी टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा होगा वो बेसिकली यहीं से उठा के लिखा है। ठीक है ना, और उसी की एग्जाम्पल्स कवर की गई है। तो ये IA-16 दिखाना मकसद था आपको कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो असल डॉक्यूमेंट ये है, और ये डॉक्यूमेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा PDF वाली शक्ल में अगर आपको चाहिए होगा। ठीक है बेटा, बेटा कैमरा ऑफ करें प्लीज। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने रख दिया कुछ इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं और हम क्या कुछ कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं शुरू करता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ मजीद, और बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं बोर्ड पे आ गया वापस से। और मेनली आपको याद होगा तो मैं बात शुरू कर रहा हूं। सिस्टमैटिक एलोकेशन, ठीक है जी, मैं सिस्टमैटिक एलोकेशन में बात करने जा रहा हूं, और बात इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बहुत तफसील समझाई है, लेकिन अभी क्विक रिकॉल करने की जरूरत है
बच्चे भूल ना गए हों इस चीज को। तो आसान लफ्जों में सर सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब है, आसान लफ्जों में इसका मतलब है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्शन के मेथड, जो भी डेप्शन के मेथड हैं वो इस सिस्टमैटिक एलोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब आपको कितने मेथड करवाए गए हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, आपको याद होना चाहिए, याद है किसी? SLM in short, RBM, SYBM, UPM, PHM. ठीक है जी, पांच मेथड्स आपको सिखाए गए थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, उन्हीं को दोबारा जस्ट क्विक जल्दी रिकॉल करना है हमने। रिकॉल करना जरूरी होता है बार दफा कि हम भाई कोई हमें आगे कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, इसलिए इसको रिकॉल करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस बार तो सिलेबस में मेंशन है कि भाई आपसे जो इधर से सवाल पूछे जाएंगे वो मुख्तलिफ नौत के सवाल होंगे, खासतौर पर उसमें रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट के केसेस आपके सामने आएंगे। अच्छा जी, अब बहरहाल तीन मेथड्स को मैंने एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो, इन तीन मेथड को नाम दिया था कि इनको हम बोलेंगे सर टाइम बेस्ड, और इनको हम बोलेंगे सर यूजेज बेस्ड। तो ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज स्लो आ रही है, ओके जी, मैं माइक दोबारा उठाता हूँ अपने पास। ओके नाउ देखिए, अब सही आवाज देखिए। नाउ SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड सर, RBM मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, SYDM मतलब सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, UPM मतलब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, PHM मतलब प्रोडक्शन आर मेथड। ठीक है जी, ये सारे नाम से आप वाकिफ हैं और सारे नाम तफसील से आपको बताए हुए भी हैं, समझाए हुए भी हैं, ठीक है जी, ओके। लेकिन फिर भी क्विक रिकॉल करने जा रहे हैं, तो यहां पर आप समझिएगा जरा बात को, इन तमाम केसेस में मैं कॉस्ट अज्यूम कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ मशीन 1,20,000, ठीक है जी। तो मैंने अज्यूम किया भाई कि मैं किसी भी मेथड से इसको डेप्रिशिएट करूं, मैंने पांचों केसेस को आपस में रिलेट करने के लिए सब के लिए मैंने क्या मान ली, कॉस्ट ऑफ मशीन मान ली। इन एक मैंने मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट 1,20,000 रुपए है, अगर मैं उसको डेप्रिशिएट करता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड से तो रिजल्ट्स क्या होंगे, अगर मैं उसको डेप्रिशिएट करता हूं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से तो रिजल्ट्स क्या होंगे, अगर मैं इसी मशीन को डेप्रिशिएट करता हूँ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से तो रिजल्ट्स क्या होंगे, अगर मैं इसी मशीन को डेप्रिशिएट करता हूँ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से तो रिजल्ट्स क्या होंगे,
अगर मैं इसी मशीन को डेप्रिशिएट करता हूँ प्रोडक्शन आर मेथड से तो रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है जी, तो अभी आपके सामने है। अच्छा फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ मैं आपको, दो याद दिला दूँ, मैंने लिख तो दिया ऊपर, शायद कुछ बच्चे सोच रहे हो कि बात साइड पर रह गई। अच्छा तीन मैथड्स के ऊपर लिखा मैंने टाइम बेस्ड, दो मैथड के ऊपर लिखा मैंने यूजेज बेस्ड। अच्छा तीन मैथड पे जिन पे लिखा मैंने टाइम बेस्ड, देखे टाइम बेस्ड बोलने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एसवाईडीएम सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, इन तीनों मेथड में जो यूजफुल लाइफ होती है वो टाइम में डिफाइन होती है। अब आप भले एसेट को यूज करें या ना करें, एसेट पड़ा रहे इस्तेमाल हो या ना हो, अगर लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, 6 महीने तक लेबर स्ट्राइक पर चला गया है, तो क्या वो 6 महीने जिस जितने दिन मशीन आइडल पड़ी हुई है इस्तेमाल में नहीं है, क्या वो उस मशीन का वक्त, उसकी लाइफ गुजर नहीं रही, उसकी लाइफ गुजर रही है। तो टाइम बेस्ड मेथड में क्या होगा बेटा, टाइम बेस्ड मेथड में एसेट आइडल होने के बावजूद भी, आइडल मतलब यानी कि अगर वो इस्तेमाल में आ चुका है लेकिन इस्तेमाल में आने के बाद वो आइडल पड़ा है, वो अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो अवेलेबल फॉर यूज होने होते ही आप उस पर डेप्शन चार्ज करना शुरू कर देंगे, उसकी जिंदगी वहीं से शुरू हो जाएगी, उसकी जिंदगी का काउंटडाउन वहीं से शुरू हो जाएगा जिस डेट से वो अवेलेबल फॉर यूज हो रहा हो। तो अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद भले आप उसको यूज करें या ना करें, उसकी लाइफ गुजर रही होगी, उस पर डेप्शन चार्ज हो रही होगी। और जो यूपीएम और पीएचएम मेथड है, यूजेज बेस्ड मेथड कहलाते हैं, और यूजेज बेस्ड मेथड में आप जितना एसेट को यूज करेंगे सिर्फ उतनी डेप्शन चार्ज करेंगे। इसको अगर मैं कॉस्ट से रिलेट करूं तो टाइम बेस्ड मेथड के तहत चार्ज होने वाली डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट में फॉल करती है, और यूजेज बेस्ड डेप्शन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में फॉल करती है। तो टाइम बेस्ड डेप्शन जो है वो पीरियड कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, और यूजेज बेस्ड डेप्शन जो होगी वो वेरिएबल कॉस्ट का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। ये कुछ बातें आपको पहले भी समझाई गई थी, अब यहाँ हमारा कॉस्ट का टॉपिक भी है इसके अंदर, उसमें भी ये बातें याद करना और समझना बड़ी जरूरी है। बहरहाल मैं आ जाता हूँ कहाँ पर बेटा, डेप्रिसिएशन के मेथड की तरफ। अच्छा जी, अब ये पेज एक आप भी इस तरह एक पेज पूरा कर ले जिस पर आप इस तरह लिख लें। अब मैं जंप कर रहा हूँ अगले पेज पर ताकि मैं आपको एक एक मेथड एक्सप्लेन कर सकूँ और रिकॉल करवा, एक्सप्लेन तो वैसे भी किया हुआ लेकिन रिकॉल करवा रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, बहुत सारे बच्चे हैं भूल जाते हैं। नाउ तो सबसे पहला मेथड हम जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसएलए, ऐसे ही। ठीक है जी, तो जनाब हमने क्या किया सर, हमने कॉस्ट अज्यूम की, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन एक लाख बीस हजार। ठीक है जी, रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम कर ली कितनी, 20,000। सर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ अज्यूम की हमने 4 years। ये जो सिचुएशन आपके सामने बनी है, इस सिचुएशन में हम इसके ऊपर डेप्शन चार्ज करेंगे पर ईयर, और वो पर ईयर डेप्शन क्या होगी, तो उसके लिए मैं लिखने जा रहा हूं क्या, मेथड वन ठीक है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड बराबर है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू बराबर आएगा किसके, डेप्रिसिएबल अमाउंट के, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, यूजफुल लाइफ इन इयर्स ऑब्वियसली, तो
अगर हम अप्लाई करते हैं राइस को, फर्स्ट फार्मूले को, तो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं हमारे सामने? तो सर हमारे सामने रिजल्ट आता है सर, कॉस्ट आई 1,20,000 और रेजिडुअल वैल्यू कितनी आई 20,000। तो सर जैसे ही हमने कॉस्ट में से 1,20,000 में से 20,000 की रेजिडुअल वैल्यू क्या कर दी, माइनस कर दी, तो जो अमाउंट बचा वो बचा 1,00,000 के बराबर। इस 1,00,000 को हम क्या बोलेंगे सर, डेप्रिसिएबल अमाउंट। और इसको हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, मतलब इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने ब्रेक कर दिया कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में, और ये चारों हिस्से क्या है, बराबर है। तो इस सिस्टम को हमने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड, कि यहाँ पर हम पर ईयर एक कांस्टेंट डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट डेप्रिसिएशन 25,000 के बराबर है। यानी पर ईयर मैं अपने एसेट को 25,000 से कंज्यूम मानूंगा, मतलब मैं एसेट की जो कंजम्पशन रिकॉर्ड करूंगा वो पर ईयर 25,000 से रिकॉर्ड करूंगा। मैं मानूंगा कि मुझे एसेट ने एक साल में जो रेवेन्यू कमा के दिए हैं उसमें उस एसेट की कॉस्ट का ये 25,000 रुपए क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो इस 25,000 कंट्रीब्यूशन को मैं एक्सपेंस चार्ज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जरा हम जाते हैं पिछले पेज पर, हम जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट बेटा, 25,000 रुपए पर ईयर आंसर है इसका। हम जाते हैं पिछले पेज पर वापस, और पिछले पेज पर जाने के बाद हम जरा यहाँ पर इसकी दोबारा आपके सामने चीज रखते हैं, वर्किंग रखते हैं। देखिए अब यहां लिख रहा हूं मैं लेस, लेस व्हाट, डेप्रिसिएशन, और मैं लिखता हूं सर ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ठीक है जी। और यहां पर आप पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 25,000। तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत इसमें ईयर वन की डेप्रिसिएशन चार्ज की 25,000, ईयर टू की डेप्रिसिएशन चार्ज की 25,000, ईयर थ्री की डेप्रिसिएशन चार्ज की 25,000, ईयर फोर की डेप्रिसिएशन चार्ज की 25,000। इस तरह आपने जो चार साल में जो उसकी टोटल यूजफुल लाइफ थी, चार साल में अगर हम इन चारों 25,000 का सम कर दें तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज की वो कितनी चार्ज की, 1,00,000। तो 4 साल की डेप्रिसिएशन का सम जो है वो एग्जैक्टली आपके डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर। और जब हमने वर्कआउट की WDV कहां पर, 4 साल के एंड पर, तो वो WDV बच रही है किसके बराबर जनाब, वो WDV बच रही है 20,000 के बराबर। यानी 4 साल में हमने सिस्टमेटिक एलोकेशन की है किसकी, डेप्रिसिएबल अमाउंट की, और फिर एट द एंड जो WDV बच रही है अगर होगी तो वो किसके बराबर होगी, रेजिडुअल वैल्यू के। और इस 20,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा एसेट को डिस्पोज ऑफ करके, ये तमाम बातें आपने पढ़ी भी हैं और आपके सामने मैंने रख भी थी। तो मतलब ये सब कुछ बताने का मतलब क्या, सिस्टमेटिक एलोकेशन किसकी होगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट की होगी, ठीक है जी। ये बातें आपके सामने मैंने रखी हैं, चले जी। तो अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ मजीद। अच्छा, अब क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, मेथड टू है, ठीक है जी, मेथड टू है। मेथड टू हमारे पास जो है वो क्या है, उसके लिए उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रेट। तो स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमेशा 1/n यानी यूजफुल लाइफ के बराबर है। जैसे अगर मैं 1 को डिवाइड करूं किससे, 4 से, तो आंसर मेरा 0.25 आएगा। सर ये 1 क्या है, ये 1 डेप्रिसिएबल अमाउंट का हर एक रुपया है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट के हर एक रुपए को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएबल अमाउंट के हर एक रुपए में से 25 पैसे को मैं पर ईयर डेप्रिसिएशन का क्या बना रहा हूं, पार्ट बना रहा हूं।
तो इसको मैं चाहे 25.25 लिखूं या क्या लिखूं 25%। तो स्ट्रेट लाइन में रेट ऑफ डेप्शन निकालने का फार्मूला 1/ यूजफुल लाइफ है। और अगर आपको रेट ऑफ डेप्शन दिया हुआ हो तो फिर आप डेप्रिसिएशन कैसे वर्कआउट करेंगे? तो आपका डेप्शन एक्सपेंस जो होगा वो बराबर होगा किसके, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है जी, तो जैसे आप कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेप्शन एक्सपेंस मिल जाएगा पर ईयर। अप्लाई करके देख लें भाई, कॉस्ट थी 1,20,000 रुपए, रेसिडुअल वैल्यू थी 20,000 रुपए, और सर रेट था 0.25। तो जैसे 1,20,000 में से 20,000 माइनस हुए क्या बचा, 1,00,000, और 1,00,000 का 25% हमारी पर ईयर क्या है, डेप्रिसिएशन है, और 1,00,000 का 25% कितना बनेगा सर, 25,000 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह भी स्ट्रेट लाइन में हम डेप्शन वर्कआउट करते हैं। और उसके बाद जो है एक तीसरा, ये मैं स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहा हूँ मुस्तकिल आपसे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ मजीद इसमें, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा जी आगे बढ़ा, अब मैं आता हूँ मेथड 3। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, देखिए इसकी बहुत जरूरत पड़नी है अब हमें, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास जो है, इस मेथड 3 को मैं अपनी तरफ से एक नाम दे रहा हूँ और बोल रहा हूं इसको मैं कंडीशनल फार्मूला। कंडीशनल फार्मूला मतलब स्ट्रेट लाइन में जब भी कोई कंडीशन अप्लाई होगी तब हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं जरा बता दे उनको भी। ओके जी, जरा कंडीशंस नोट फरमा लें भाई। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है, नंबर 1 चेंज इन यूजफुल लाइफ, एसेट की यूजफुल लाइफ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। नंबर 2 चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू, नंबर 3 इंपेयरमेंट, नंबर 4 रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो कम से कम ये 4 सिचुएशन आपके सामने होंगी जहां पर आपको इन सिचुएशन में जब भी एसेट की यूजफुल लाइफ में चेंज आएगा, जब भी एसेट की रेसिडुअल वैल्यू में चेंज आएगा, जब भी एसेट पर कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा, इंपेयरमेंट का तस्करा बहुत तफसील से करना है आपके सामने, बैड डेट के रेफरेंस से और एनआरवी के रेफरेंस से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इंपेयरमेंट को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये एक पूरा एक टॉपिक है और इस टॉपिक को हम बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। इंपेयरमेंट और रीवैल्यूएशन हमारे मेन सिनेरियोज हैं इस स्टैंडर्ड के, जो एग्जाम में ही टेस्ट होंगे, मतलब एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इस टॉपिक में एग्जामिनर जिस चीज को टेस्ट करेगा वो इंपेयरमेंट एंड रीवैल्यूएशन ही है। तो इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। तो ये ऑब्वियसली हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। अभी आप इनको बतौर कंडीशंस याद रखें कि भाई ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये मेथड नंबर 3 लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ये क्या मेथड है सर, इसको समझ लें। तो इस मेथड को समझिए जरा सब लोग।
ठीक है जी, इस मेथड को समझें। इस मेथड में हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है सी ए, सर सी ए कैरिंग अमाउंट, या सर आप बोले क्या इसको डब्ल्यू डी वी रिटन डाउन वैल्यू, जो भी एसेट की अभी मौजूदा डब्ल्यू डी वी है उसमें से आप लेस करें क्या रेजिडुअल वैल्यू और फिर डिवाइड कर दें किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ठीक है जी, ठीक है जनाब। तो कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट नहीं, कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यूडीपी में से लेस किया आपने रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड कर दिया किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, तो इस तरह आपको डेप्शन मिल जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जवाब दीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। मैं जा रहा हूँ प्रीवियस पेजेस के ऊपर, जरा जवाब देंगे आप लोग, फिर मैं वापस आऊंगा इस पेज पर। अच्छा जी, अब जरा आप गौर से देखिए, एसेट की कॉस्ट क्या है 1,20,000। सर हमने ईयर वन के स्टार्ट पे इसको परचेज किया, एंट्री बनाई, मशीन अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, कैशियर बैंक क्रेडिट 1,20,000 से, तो 1,20,000 की कॉस्ट पर ये रिकग्नाइज हुआ मशीन अकाउंट में, 1,20,000 मशीन की कॉस्ट के तौर पर रिकग्नाइज हुआ। सर एक साल पूरा हुआ पहले ईयर के एंड पर, हमने चार्ज की डेप्रिसिएशन, सर कितनी चार्ज की डेप्रिसिएशन बताइए जरा, सर पर एनम चार्ज की 25,000 रुपए, एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो सर अगर 1,20,000 रुपए कॉस्ट है, 25,000 रुपए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो बताइए डब्ल्यू डी वी या कैरिंग अमाउंट कितना हुआ, डब्ल्यू डी वी या कैरिंग अमाउंट कितना हुआ, 95,000, करेक्ट आंसर बेटा 95,000। अब 95,000 जो है वो ईयर एंड पे डब्ल्यू डी वी है, इसको हम ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब हम जानते हैं कि ईयर टू की डेप्शन भी 25,000 रही है, लेकिन उस ईयर टू की डेप्शन को हम इस फॉर्मूले से वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, ईयर वन के स्टार्ट पे डब्ल्यू डी वी कितनी है 95,000, ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 20,000 रुपए। तो अब अगर मैं कैरिंग अमाउंट 95,000 में से 20,000 अगर रेजिडुअल वैल्यू का कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर बचेगा 75,000, और सर 75,000 जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट, 1,00,000 रुपए जो था वो टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट था, लेकिन 75,000 जो है वो रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट है। ये डेप्रिसिएबल अमाउंट कितने साल को रिप्रेजेंट करता है सर, 3 साल। तो अगर मैं 95,000 जो कि डब्ल्यू डी वी है इसमें से लेस कर देता हूँ 20,000 रेजिडुअल वैल्यू, जो आंसर मिलेगा 75,000, उसको बोलूंगा मैं रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट, जिसकी लाइफ कितनी है 3 साल, और उसकी अब एलोकेशन आने वाले 3 साल में होगी, जब मैं उसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मुझे मिल जाएगी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 25,000। तो आमतौर पे अगर डेप्शन कांस्टेंट है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर लाइफ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, अगर रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ रहा है, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, अगर आप एसेट को रिवैल्यू कर चुके हैं, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत कवर किया, और उसके मुख्तलिफ तरीके जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है वो सारे तरीके क्या कर दिए आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई आपकी क्यूरी या रिजर्वेशन है तो प्लीज जवाब दे दें बेटा, यहाँ पर आपकी अगर कोई क्यूरी या रिजर्वेशन तो प्लीज जवाब दे दें, ठीक है जी। सबको याद है, सारी बातें याद आ गई होंगी बेटा, यहाँ पर अगर आपकी कोई क्यूरी या रिजर्वेशन है जवाब दे दें बेटा प्लीज, बोलिए। ठीक है, यहाँ कोई क्यूरी नहीं है आपकी, ओके बस, ठीक है जनाब, जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो मतलब क्या होगा जनाब, हम अगले मेथड की तरफ जाएंगे, और अगले मेथड का नाम आप जानते हैं क्या है, अगले मेथड को हम क्या बोलेंगे, अगले मेथड को हम सर बोलेंगे
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यस आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करना क्या होता है, एग्जांपल मैं सेम लूंगा बेटा, सेम एग्जांपल कवर करूंगा। मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ मशीन एक लाख बीस हजार, रेसिडुअल वैल्यू इन शॉर्ट लिख दिया मैंने 20,000, और जनाब यूजफुल लाइफ फोर इयर्स। ठीक है जी, तो आपके सामने ये वही क्वेश्चन रख दिया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम इसी एसेट को डेप्रिशिएट करें अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा अगर हम ये करना चाहते हैं, तो ठीक है जी, तो सबसे पहले काम ये करना है कि अगर आप जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करना चाहते हैं खुद, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक रेट कैलकुलेट करना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैथमेटिकली जो है वो अब बताया हुआ है आपको इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में तफसील से, अभी इस वक्त तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉलो करता है। ये जो फॉर्मूला है, जो कुछ भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये जो बच्चे जो हैं पिक कर सकते हैं बात को, पिक कर चुके होंगे, और जो पिक नहीं कर रहे उनको चाहिए कि वो अपने चीज़ों को रिकॉल करें, रजिस्टर उनके पास होंगे मौजूद। बहरहाल फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू वन माइनस एस अपॉन सी की पावर वन अपॉन एन। ठीक है जी, ये फार्मूला रेट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वन का मतलब क्या है, हर एक रुपया जिसकी सिस्टमेटिक एलोकेशन होनी है। एस का मतलब क्या है, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, कोई भी नाम दें आप इसको। सी का मतलब क्या है, कॉस्ट, और ब्रैकेट लगाने के बाद होल पावर आ गई वन अपॉन एन। एन का मतलब क्या है, यूजफुल लाइफ। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हम रेट फाइंड कर लेंगे क्विक जल्दी से। आप कैलकुलेटर उठा लेंगे, आप बता देंगे मुझे सर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपए, कॉस्ट है 1,20,000 रुपए, और सर पावर लगाई हमने क्या, 1/4। ठीक है जी, तो जैसे ही हमें पावर, पहले हम 20,000 को डिवाइड करें 120,000 से, जो आंसर आया उस पर लगाएं पावर 1/4, और जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दें। तो जब 1 में से हम आंसर को माइनस करेंगे तो हमें रेट मिलेगा 0.36106। ठीक है जी, याद होगा आप लोग, ओके। अच्छा जी, अब हम वर्कआउट करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्कआउट करते हैं पर ईयर, ईयर वन का। तो एक बात जो हमेशा आपको बताइए, ख्याल रखिएगा अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पहला साल जब उसका होगा एसेट का, उसमें रेट हमेशा कॉस्ट पे लगेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको कॉस्ट में से रेडिडल वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं फार्मूले में। तो पहले साल आप रेट लगाएं किस पर, कॉस्ट पर, यानी आप 1,20,000 को मल्टीप्लाई करें 0.36106 और बताएं आंसर क्या आता है।
हाँ जी बताइए आंसर क्या आता है। आंसर आता है सर 43,327। ठीक है जी ओके 43,327 ये आंसर आ गया सर। ईयर टू की बात कर रहे हैं ओके ईयर टू। अब ईयर टू की डेप्शन चार्ज होगी कॉस्ट में से पहले साल की डेप्शन माइनस करने के बाद। तो आप क्या करेंगे 1,20,000 लिखा आपने कॉस्ट, उसमें से माइनस किया आपने डेप्रिसिएशन 43,327। और शॉर्टकट्स भी आपको पता है, बहरहाल वो डिस्कस होते रहेंगे साथ साथ। जैसे ही मैंने 120,000 में से 43,327 को माइनस किया तो जो आंसर बचा वो आंसर ईयर वन की WDV के बराबर था 76,673। ठीक है जी 76,673 जो है वो ईयर वन के एंड पे WDV है और ईयर टू के स्टार्ट की भी WDV है। तो अब ईयर टू की डेप्शन निकालने के लिए जो रेट लगाना होगा वो ईयर टू की स्टार्ट वाली WDV पे लगाना होगा। तो आप इस WDV को मल्टीप्लाई करें किससे 0.36106। तो बताइए आपका आंसर क्या आता है, ईयर टू का आंसर क्या आता है। ईयर टू का आंसर आता है सर 27,683। चलिए ठीक है ये आपके सामने आंसर आ गया। इस तरह आपको ईयर थ्री का आंसर वर्कआउट करने की जरूरत है। अच्छा जी ईयर टू के एंड पर, ईयर टू के स्टार्ट पे WDV थी 76,673। ये ईयर टू के स्टार्ट की WDV है, इस पे चार्ज हुई ईयर टू की डेप्रिसिएशन 27,683। तो आपको मिल गई अब वो WDV जो ईयर टू के एंड की WDV और ईयर थ्री के स्टार्ट की WDV। कितनी WDV बची बेटा 48,990। इसके ऊपर आपने रेट लगाया 0.36106। तो बताइए बेटा आंसर क्या है आपके पास 17,688। ठीक है जी तो 17,688 क्या है, 17,688 जो है वो ईयर थ्री की जो है वो डेप्रिसिएशन। ठीक है अच्छा बिल्कुल। अब इस तरीके से ईयर फोर की डेप्रिसिएशन वर्कआउट करें तो 48,990 जो है वो ईयर थ्री के स्टार्ट की WDV है, उसमें से आपने 17,688 चार्ज की डेप्शन ईयर थ्री की। तो अब WDV कितनी बची आपके पास 31,302। ये ईयर थ्री की WDV है और ईयर फोर के स्टार्ट की WDV है और इस पे लगाना है आपने रेट ताकि आप ईयर फोर की डेप्शन वर्कआउट कर सकें 0.36106। आपका आंसर क्या है 11,302। ये आपने इसे वर्कआउट किया तो आपको ये चारों साल की डेप्शन मिल गई अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब मैं जा रहा हूं दोबारा जरा पेज वन पर कंपैरिजन करने के लिए ताकि अभी भी अगर किसी को सिस्टमैटिक एलोकेशन लव समझ नहीं आया तो समझ में आ जाए। तो हम जाते हैं जरा उस पेज पे जहां पर हमने इसको इनिशिएट किया था। ठीक है जब यहाँ पर आ गए अब बताइए आप सब लोग, सब बताएंगे यहाँ पर आप सब लोग कि यहाँ पर हमने क्या डेप्शन चार्ज की बेटा पहले साल की क्या डेप्शन चार्ज की बताइए। हाँ जी 40
7,43,327। ठीक है जी, बताइए फिर आपने डेप्शन क्या चार्ज की ईयर टू की? 27,683। ओके जी, आपने क्या चार्ज की डेप्शन ईयर थ्री की? 17,688। आपने क्या डेप्शन चार्ज की ईयर फोर की? 11,302। ठीक है जी, और इसका सम आप निकाल लें। सब लोग जरा देखें, आप गौर करें, और गौर और फिक्र करने वाला मकाम है। इसका सम भी क्या मिलेगा आपको? 100,000। तो इसके जरिए हमने क्या सीखा भाई? हमने यही सीखा था अपनी क्लासेस के अंदर, आइए पढ़ते वक्त भी और अभी दोबारा रिकॉल करते वक्त भी, कि भाई मेथड कोई सा भी हो, सिस्टमैटिक एलोकेशन किसकी होनी है? डेप्रिसिएबल अमाउंट की। बस अब देख लें, चार साल की डेप्शन का सम अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड भी 1,00,000 रुपए है, और चार साल की डेप्शन का सम अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी जो है वो 1,00,000 रुपए। बस 1,00,000 रुपए को तोड़ने के अंदाज में फर्क है। स्ट्रेट लाइन में आपने कॉन्स्टेंट रेट पे तोड़ा है इसको, और आरबीएम में आपने रिड्यूसिंग रेट पे तोड़ा है, इस तरह कि पहले साल की डेप्शन ज्यादा है, उसके बाद वाले ईयर की डेप्शन जो है वो उससे कम है, उसके बाद वाली और कम है। तो एग्जाम में तो आपने वो मेथड चूज करना है जो एग्जामिनर ने बोला है। प्रैक्टिकली एसेट की कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि एसेट की कंजम्पशन नेचर क्या है। अगर एसेट आपको पहले साल में ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट करके दे रहा है, तो फिर और अगले साल में उससे कम दे रहा है, उससे अगले साल में और कम दे रहा है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी एसेट की एफिशिएंसी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्रैक्टिकली आमतौर पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई किया जाता है। एग्जाम में वही करना है जो आपको एग्जामिनर बोले बस, लेकिन प्रैक्टिकली प्लांट एंड मशीनरी पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी एफिशिएंसीज में क्या होता है, फर्क आता है। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जो आमतौर पर डेप्शन चार्ज की जाती है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्शन चार्ज की जाती है। ठीक है जी, लेकिन कुछ भी कर लें, सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी है किसकी? डेप्रिसिएबल अमाउंट की। ये बात जहन में रखिएगा, सारी बातें आपको समझा दी गई। उसके बाद अगला मेथड कौन सा है हमारे पास? ठीक है, अब यहाँ से तीसरा मेथड क्विक शुरू करना है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ द इयर्स विच इट मेथड। Is sum of the edit method. ठीक है, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको? हम SYDM। अच्छा, अब करना क्या है? वही कॉस्ट आप जानते हैं, 1,20,000 रुपए है, यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल है, और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आपकी 20,000 रुपए है। वही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बार बार। अच्छा जी, तो अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, करना क्या है इसमें? यूजफुल लाइफ को जरा इस ऑर्डर में लिखना है। बताइए यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। जब मैंने एसेट खरीदा नया 0 मीटर, तो लाइफ कितनी? 4 साल। जब मैंने उसको 1 साल कंज्यूम कर लिया, तो लाइफ कितनी बची? 3 साल। 1 साल और कंज्यूम कर लिया, तो लाइफ कितनी बची? 2 साल। 1 साल और कंज्यूम कर लिया, तो लाइफ कितनी बची? 1 साल। ऐसा ही है। तो
तो इस तरह क्या करना है कि भाई जब एसेट मैंने खरीदा उस वक्त लाइफ 4 साल थी, 1 साल कंज्यूम किया लाइफ बची 3 साल, 1 साल और कंज्यूम किया लाइफ बची 2 साल, और 1 साल और कंज्यूम किया लाइफ बची 1 साल, और उसके बाद ऑब्वियसली जब 1 साल कंज्यूम हो गया तो लाइफ जीरो हो गई। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है कि जीरो का प्लस और माइनस में कोई इफेक्ट नहीं है। तो 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, और +1 आंसर क्या होगा 10। ठीक है बेटा। तो अब इस SYDM असल में क्या है, SYDM is an approximation of RBM. RBM, अगर आपको RBM का approximate answer निकालना हो जल्दी, तो आप RBM का, या आप RBM का आपको formula याद नहीं आ रहा कहीं पर, आप एक approximate answer निकालना चाहते हैं, तो आप फिर SYDM इस्तेमाल कर सकते हैं, by the way। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है, और इसमें हर साल का रेट अलग अलग होगा, मतलब इस 4 को आपने पिक करना है बतौर, इस 4 को आपने पिक करना है बतौर न्यूमरेटर, और डिवाइड कर देना है इससे। इसके बाद इस 3 को पिक किया आपने, डिवाइड कर दिया इससे, इस 2 को पिक किया, डिवाइड कर दिया इससे, इस 1 को पिक किया, डिवाइड कर दिया इससे। तो यानी हर साल का रेट अलग अलग होगा, मतलब अब मैं यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब यहाँ कॉस्ट और रेट तो मतलब सेम रहेंगे, बस हर बार रेट चेंजता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ ईयर 1 की डेप्रिसिएशन। हमने कहा जनाब कॉस्ट है 1,20,000, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। जी बेटा जैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, और जब मैंने वही 1,20,000 में से 20,000 माइनस कर दिया तो मेरे पास जो आंसर बचा वो आंसर 1,00,000 के बराबर बचा, जिसको मैं बोलूंगा डेप्रिसिएबल अमाउंट, और उसको मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ईयर 1 का रेट मेरा क्या है, 4/10, यानी मैंने डेप्रिसिएबल अमाउंट के 10 हिस्से किए और 4 हिस्से एलोकेट किए बतौर ईयर 1 डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 40,000। अच्छा जी सर, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन सेम 1,20,000 माइनस 20,000 मल्टीप्लाई, अब ईयर 2 का रेट जो होगा वो क्या होगा, 3/10, 10 से करने हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट के 3 हिस्से एलोकेट कर देना है किसको, ईयर 2 को। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 30,000। इस तरह ईयर 3 1,20,000 माइनस 20,000 और मल्टीप्लाई कर दिया 2/10 से, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 20,000। ठीक है जी, उसके बाद ईयर 4 1,20,000 माइनस 20,000 और लास्ट ईयर का जो रेट है 1/10 है, 10 में से एक हिस्सा क्या करना है आपने लास्ट ईयर को एलोकेट करना है, और उसका आंसर आएगा 10,000। तो इस तरह अंडर SYDM आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन जो है 40,000 है, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 30,000 है, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 20,000 है, और चौथे साल की डेप्रिसिएशन 10,000 है। अब जाएंगे हम उसी फर्स्ट पेज पर, ठीक है जी। अब इस फर्स्ट पेज पर हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर, मतलब आपके सामने
40,000, 30,000, 20,000 और 10,000। और जब आप सम करेंगे इन 4 साल की डेप्रिसिएशन का, तो बेटा 4 साल की डेप्रिसिएशन का जो सम होगा वो आपके वही 1 लाख रुपए के बराबर आएगा। यानी आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी मेथड से एसेट को डेप्रिशिएट कर लें, तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन सर? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ व्हाट डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की यूजफुल लाइफ के मुताबिक उसके डेप्रिसिएबल अमाउंट को सिस्टमेटिकली एलोकेट करना है। सिस्टमेटिकली का मतलब क्या है? जिस तरह से आपको सूट करता है, स्ट्रेट लाइन से सूट करता है तो स्ट्रेट लाइन से आप डेप्रिशिएट करें, आरबीएम से सूट करता है तो आरबीएम से डेप्रिशिएट करें, एसवाईडीएम से सूट करता है तो एसवाईडीएम से क्या करें आप उसको डेप्रिशिएट करें। लेकिन कुछ भी कर लें, इन द एंड होगा क्या? सिस्टमेटिक एलोकेशन होगी किसकी बेटा? डेप्रिसिएबल अमाउंट की। और तीनों केसेस में आप देख लें 4 साल की डेप्रिसिएशन का सम डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर आया। तो ये एक छोटी सी बात है स्टैंडर्ड की, लेकिन अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब क्या है। तो दोबारा आपको रिकॉल करवाया गया है, आप फॉर्म में आए, रिदम में आए, और ताकि आप इसकी गाड़ी आगे चल सके विदाउट एनी ब्रेक, इसलिए आप सबको ये सब चीज़ें रिकॉल करवाई जा रही हैं और विद स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के रेफरेंस से रिकॉल करवाई जा रही है। ठीक है जी। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैथड और प्रोडक्शन आर मैथड को आप खुद रिकॉल करें, आपके रजिस्टर में होंगे मेरे ख्याल से, आइए के रजिस्टर में ये दोनों मेथड्स मौजूद होंगे, कोशिश करें आप उसको रिकॉल करें। ठीक है, ताकि हम अपनी बात को यहाँ से मजीद आगे लेके चल सकें। जहाँ तक कोई सवाल, कोई बात जो डिफिकल्ट लगी हो, कोई परेशानी हुई हो तो बता दीजिए प्लीज, आपके रिस्पॉन्स का मुंतजर हूँ। कोई सवाल हो किसी का तो बोल दीजिएगा प्लीज। सबको क्लियर है बात बेटा? अच्छा जी, आरबीएम वाला पेज शो करते हैं, आरबीएम वाला पेज शो करते हैं बिल्कुल। जी फुजैल बेटा, आप सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, आप ये बोलना चाहते हैं मैं 2 मेथड समझा दूं। ठीक है, अभी तो बेटा टाइम ओवर हो गया है, मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। बाकी ये बताइए आपको ये तीनों मेथड, आप माइक पे आना चाहते हैं, माइक पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बता दीजिए टाइप करके, तो मैं आपका माइक ऑन कर दूं अगर आप माइक पे क्वेश्चन करना चाहते हैं। फुजैल बेटा बता दीजिए मैसेज पर, चैट पर। अच्छा बेटा, 2 मेथड जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई इस पर बड़ी बात नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन फिलहाल टाइम अभी यहाँ पे मुकम्मल हो गया, तो यहाँ तक मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं स्टॉप करूंगा। ठीक है, तो लाइबा कह रही थी कि वो कौन कह रहा था, मेरे ख्याल से लाइबा कह रही थी शायद कि वो पेज निकाल दें, तो ये पेज आ गया भाई आपके सामने। ठीक है, चलो यहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा। कोई सवाल है तो देख लें, पेज आपके सामने आ गया। अच्छा जी, WDV और रेडियल वैल्यू का डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये तो बिल्कुल अब जो है वो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले सवाल आते हैं, तो इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वापस, लेकिन क्या कहते हैं जनाब, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले लेवल की बात हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, एसेट में से जो पर ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है हमारे पास, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मुस्तकबिल में मिलना बाकी होता है, उसको हम WDV बोलते हैं या कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वी, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो भी डब्ल्यू डी वी होगी, वो कहाँ होगी, एसेट की लाइफ के एंड पर, मतलब एसेट की लाइफ के एंड पर या तो एसेट की डब्ल्यू डी वी जीरो होगी या एसेट की डब्ल्यू डी वी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि अब हम उस एसेट को मदीद यूज नहीं करेंगे, बस हमें सिंपल डिस्पोजल करना है। तो रेजिडुअल वैल्यू एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन है जो जो आप रिकवर करेंगे एसेट को बेचकर। तो क्या डब्ल्यू डी वी हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी? आंसर इज नो। पहले एसेट की लाइफ के पहले साल पर जो डब्ल्यू डी होगी वो रेजिडुअल वैल्यू के बराबर नहीं होगी, दूसरे साल के एंड पे भी डब्ल्यू डी वी होगी वो रेजिडुअल वैल्यू के बराबर नहीं होगी, तीसरे साल के एंड पे भी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो डब्ल्यू डी के बराबर नहीं होगी। हाँ, चौथे, क्योंकि चौथा साल एसेट की लाइफ का आखिरी साल था, तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि एसेट फुली कंज्यूम हो चुका है, उसके डेप्रिसिएबल अमाउंट की सिस्टमेटिक एलोकेशन फुल हो चुकी है, तो लिहाजा अब एसेट की लाइफ के एंड पर जो डब्ल्यू डी वी होगी वो एग्जैक्टली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। और अगर एसेट की लाइफ के एंड पे डब्ल्यू डी वी जीरो आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू भी क्या है, जीरो है। तो उम्मीद है आपका सवाल जिस सेंस में था उस सेंस में आपको जवाब समझ में आया होगा। क्लियर है तो बोल दीजिए। नेक्स्ट क्लास हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे बेटा, आपकी क्लास नेक्स्ट कितने बजे, 2 बजे ना, 1:35 हुआ है, 2:05 पर इस तरह हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी, ओके ना। तो यहां तक क्या करता हूं, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं।